कपिल शर्मा शो अभी भी बज क्रिएट किए हुए हैं और जैसे ही इसके स्निक पिक शॉट आते हैं हम तुरंत आपको अपडेट करते हैं। में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पवन सिंह की इंग्लिश का मजाक उड़ाते हुए द कपिल शर्मा शो में ये कहा कि भाई मैं और पवन सिंह एक साथ एयरपोर्ट पे जा रहे थे और जो एयरपोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो चेकिंग करने लगे, तो भाई मैंने उनको कहा कि लॉलीपॉप सिंगर, सभी इनको बोले ये वाव यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, ये धड़ाक से नीचे बैठ गए, यानी कि पवन सिंह धड़ाक से जमीन पर बैठ गए। मैंने उनसे कहा, यानी कि निरहुआ ने पवन सिंह से कहा कि ये क्या कर रहे हो, तब पवन सिंह ने कहा कि ये लोग ने कहा कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, और इस पर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगे और खुद पवन सिंह भी शर्मा गए। लेकिन यहाँ पवन सिंह के इंग्लिश की खिल्ली एक बार निरहुआ ने भले ही उड़ाई, लेकिन पवन और कपिल ने तो बार बार अपने इंग्लिश की खिल्लियाँ उड़ाते रहे। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि जितना हाथ तंग पवन सिंह का इंग्लिश में है उतना ही हाथ तंग कपिल शर्मा का भी है। ये दोनों स्टार अपने इंग्लिश न बोलने या यूं कह ले टूटी फूटी इंग्लिश बोलने के लिए हमेशा मजाक का पात्र बन जाते हैं, लेकिन उस मजाक में भी सबको बड़ा ही आनंद आता है। ये सब बात कहने के बाद निरहुआ ने यहाँ पवन सिंह को दिलों का राजा बताया और कहा कि पवन सिंह जैसा दिल बहुत मुश्किल से किसी के पास होता है। पवन सिंह जितने हार्ड ऊपर से हैं उतने ही नरम वो अंदर से हैं, यानी कि आप इन्हें देख के कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी तरह नारियल की तरह हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पवन सिंह की इंग्लिश को लेकर निरहुआ ने मजाक बनाया है, ऐसा कई बार हो चुका है पवन सिंह के साथ, लेकिन पवन सिंह निरहुआ को अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए उनकी किसी भी चीज का वो बुरा नहीं मानते। उन्हें लगता है निरहुआ जैसा हितैषी इस इंडस्ट्री में उनका कोई नहीं है। खैर जो भी है, हम तो भाई बेसब्री से इस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने के बाद हम रिव्यू भी करेंगे इस एपिसोड का। तो भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।